जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, मैं विराट चौधरी, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कमांडो एकेडमी में। दोस्तों आज का जो वीडियो स्पेशली ये मेरे से ज़्यादा जो क्वेश्चन रहता है, चाहे वो जो ज्वाइन करने वाले बच्चे हैं या जो ऐसे ऐसे जीडी की तैयारी कर रहे हैं या जो कर नए जुड़े हैं या पुराने जो तैयारी कर रहे हैं उनके ज़्यादातर जो क्वेश्चन रहते हैं उनके, या जो नए ज्वाइन कर रहे हैं उनके भी अधिकतर यही क्वेश्चन रहते हैं कि सर इनमें से सबसे अच्छी फोर्स कौन सी है अकॉर्डिंग टू यू। ठीक है कि आप फोर्स में काम कर रहे हो तो आपको ज़्यादा पता होगा कि भाई आपके हिसाब से कौन सी फोर्स सबसे अच्छी है, आपको क्या लगता है कि कौन सी फोर्स सबसे अच्छी है। तो ये क्वेश्चन सबसे ज़्यादा मेरे पास में रहता है कि सर सबसे अच्छी फोर्स कौन सी है, आप बताइए आपके हिसाब से सबसे अच्छी अगर हमको जानना हो तो किस फोर्स में जाए। तो दोस्तों जिनका सिलेक्शन हो गया उनको तो फोर्स से डिवाइड हो गई, उनको तो जो फोर्स मिल गई वो सबसे अच्छी है, मेरा मानना ये। जैसे हमेशा मैं बोलता आया हूँ कि जो नहीं है वो ख्वाब है, जो है वो लाजवाब है। मन्नतों के धागे बांधो या मुरादों की पर्ची, वो देगा तभी जब होगी उसकी मर्जी। तो दोस्तों जो नहीं है वो ख्वाब है, जो है वो लाजवाब है, यानी जिनको जो मिल गई है वो लाजवाब है उनके लिए। इसके लिए तो कभी सोचना ही नहीं है, ठीक, कभी दोबारा नहीं सोचना जिंदगी में कि यार मुझे वो मिलती या मेरे को वो मिलती। जो है वो लाजवाब है और जो नहीं है वो ख्वाब है। ठीक है, जो चीज़ मिल गई उससे संतुष्ट रहे, खुश भी रहे, हाँ उसे आगे पाने की कोशिश करना है, लेकिन कभी जो चीज़ है उसको गलत नहीं समझना है। जो चीज़ है आपके पास में उसको कभी गलत नहीं समझना। होता जैसे वो बोलते हैं ना, एक क्या होता कि गोद में उसकी परवाह नहीं जो पेट वाले की परवाह, मतलब जो आपके गोद में बच्चा है उसकी परवाह नहीं, पेट में जब बच्चा है उसकी परवाह, तो ऐसा नहीं है। ठीक है, जो आपके पास में है अभी उससे संतुष्ट रही और अच्छी रही। ठीक है, तो इससे ये ना सोचे कि भाई कौन सी फोर्स ये अच्छी है तो मेरे को ये मिलती, कोई बात नहीं, हमारे लिए जो है बनी है वो सबसे अच्छी है हमारे लिए। तो इसके साथ में अब जो नए मेरे दोस्त जो तैयारी कर रहे हैं और जो नए आने वाली वैकेंसियों में जो लगने वाले हैं या पुराने जो तैयारी करते आ रहे हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके लिए कौन सी फोर्स अच्छी है, सबसे अच्छी फोर्स कौन सी है, ये सबसे ज़्यादा क्वेश्चन रहता है दोस्तों। तो मैं आपको इसमें कुछ क्रम बताऊंगा, उस क्रम से आपके हिसाब से, मेरे हिसाब से अगर आप मतलब अपनी फर्स्ट चॉइस देते हो या जो फर्स्ट चॉइस आपकी होनी चाहिए या सबसे अच्छी इनमें से फोर्स कौन सी है दोस्तों, तो पहली बात तो ये बता दूँ कि अगर मैं बता रहा हूँ तो इसका मतलब ये नहीं कि दूसरी फोर्स गलत है। ठीक है, ये नहीं कि अगर मान लो मैं अगर बी एस एफ को बता रहा हूँ सबसे अच्छी है और सी आर पी एफ को बता रहा हूँ कि सी आर पी एफ कम अच्छी है, तो इसका मतलब ये नहीं कि मतलब ये तो बहुत अच्छी है और ये बहुत ही ख़राब है, ऐसा नहीं है। फोर्स जितने भी फोर्स है सभी बहुत अच्छी है, इसमें कोई संदेह नहीं। ठीक है, लेकिन होता क्या कि हर एक इंसान की एक अलग सोच होती है, अलग फितरत होती है, अलग तरीका होता है सोचने का कि मेरे हिसाब से या मेरे लिए कौन सी फोर्स सबसे अच्छी। ठीक है, फोर्स तो सभी अच्छी है, सभी काम करती है देश के लिए, सभी देश के लिए, आपको सभी को पता है बी एस एफ का अपना नाम है, सी आर पी एफ का अपना नाम है, आई टी बी पी का अपना नाम है, एस एस बी का अपना नाम है, असम राइफल का अपना नाम है, सभी का अपनी अपनी जगह, सभी अपनी जगह पूर्ण संतुष्ट है। ठीक है, अगर पाँच भाई एक साथ अगर उनमें से पूछा जाए सबसे अच्छा कौन, तो भाई तो पाँचों है, कोई किसी में कुछ खास काबिलियत होती है तो उसकी वजह से वो थोड़ा सा अच्छा होता है, किसी में वो काबिलियत नहीं होती तो उसकी वजह से थोड़ा सा कमज़ोर होता है, लेकिन है तो भाई। तो उसी प्रकार से जितने भी फोर्स है, पहली बात हो सभी अच्छी है, लेकिन सबसे अच्छी फोर्स कौन सी है, एक क्वेश्चन उनका रहता है जो नई एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं, और उनका होना भी चाहिए। क्यों होना चाहिए, क्योंकि उनको अब तैयारी करनी है तो उनको वो फोर्स मिलनी चाहिए जिस लेवल की वो तैयारी कर रहे हैं। होता क्या है, मैंने पहले भी बताया, कई वीडियो में बता चुका हूँ कि 50% से अबव लड़के फॉर्म भरते समय इस चीज़ पे डिपेंड करते हैं कि उनका फॉर्म साइबर कैफे वाला भरेगा, और साइबर कैफे वाला अपने हिसाब से जिस फोर्स में ज़्यादा पोस्ट होती है उसमें भर जाता है। लास्ट में ये होता है कि उसकी मेरिट सबसे लो रहती है और इनके नंबर आए हुए रहते हैं सबसे अच्छे, और इनका सेलेक्शन होता है सबसे नीचे वाली फोर्स। फोर्स वो गलत नहीं है, लेकिन आपको जब अच्छा मिल सकता है, बहुत अच्छा मिल सकता है, तो फिर अच्छे से आप कंपट कर रहे हो तो आपको करना तो पड़ेगा, क्योंकि आपकी गलती है, उस समय आप ध्यान नहीं दिए। अगर आप इस समय अगर ध्यान दे लोगे तो आपको आगे जाके भुगतना नहीं पड़ेगा, नहीं तो भुगत तो भोगी है ही, भुगतना तो पड़ेगा अगर आपको किसी चीज़ का नहीं पता है, और ऐसा मौका बार बार मिलता नहीं। तो सबसे अच्छी फोर्स की अगर हम बात करें दोस्तों, तो सबसे पहले अगर मैं पहले दो अच्छी फोर्स बताऊँ तो वो एन आई ए और एस एस एफ दोस्तों, इनकी मेरिट काफ़ी ऊपर रहती है। ये सबसे अच्छी क्यों है, देखो आज का जो टाइम समय है, इस समय में सभी को ज़्यादातर चीज़ें वो पसंद आती है जिसमें माइंड यूज़ होता है, और माइंड वाली जैसे सभी को ज़्यादातर लोगों का, जैसे हम घर में प्रोग्राम भी देते हैं सीआईडी प्रोग्राम, उसको कितना मतलब हमको उससे कनेक्टिविटी रहती है हमसे, सीआईडी हो गई या कोई भी पुलिस क्राइम की हम वीडियो देखते हैं, जैसे वो क्राइम पेट्रोल भी आता है और भी इस प्रकार के सावधान इंडिया, तो उसमें हमारी मतलब एक्टिविटी कुछ ज़्यादा ही हमारी अटैचमेंट रहती है। क्यों, क्योंकि हमको वो काम ज़्यादा पसंद आता है जिसमें ज़्यादा दिमाग वाला हो और मतलब एक अलग सा ही उसका मतलब फील्ड हो, तो वो चीज़ें इंसान को आज के समय में ज़्यादा अट्रैक्ट करती है, और एनआईए और एसएसएफ का काम कुछ ऐसा ही है।
एनआईए का स्पेशली एसआई कुछ काम है, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। नाम से ही आपको पता चल रहा है कि इन्वेस्टिगेट करते हैं। इन्वेस्टिगेशन का मतलब कि जांच पड़ताल करना, और ये चीज़ें सबको अच्छी लगती है। इस जॉब में जो इंसान लगता है उसको बहुत खुशी होती है करके इस जॉब को, यहाँ वो खुश रहता है क्योंकि उसको इस प्रकार का जॉब मिलता है। उसकी ज़्यादातर लोगों की फितरत होती है बचपन से इस प्रकार की, मतलब कि जैसे पुलिस वाला बनना या जांच पड़ताल करना, इन चीज़ों में कुछ ज़्यादा ही इंटरेस्ट होता है। तो आप अगर तैयारी करें तो फर्स्ट चॉइस आप एनआईए दे सकते हो। एसएसएफ स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स होती है, तो इसका भी कुछ काम इसी प्रकार का। ये भी एक छोटी फोर्स है, इसमें अच्छे इसलिए बता रहा हूँ, इसमें फैमिली रखने की सुविधाएं भी अच्छी होती है और स्पेशल ड्यूटियां करती है। जो फोर्स स्पेशल ड्यूटी करती है वो सबसे अच्छी फोर्स मानी जाती है, आप सभी को पता है। जैसे एनएसजी, एसपीजी, कोबरा, इनको विशेष दर्जा दिया गया। जैसे गुरुड़ कमांडो है, पैरा कमांडो है, इनका नाम अब आर्मी में सभी है। अगर पैरा कमांडो का नाम आएगा तो आप खुद आपकी खुद की एक अलग नज़रिया हो जाएगा उनके लिए कि यार ये गुरुड़ कमांडो है या पैरा कमांडो है या मार्कोस कमांडो है, तो एक अलग से उनकी पहचान एक छवि बन जाती है। लोगों के दिल में एक अलग से भावना आती है यार पैरा कमांडो है, इसका मतलब कि ये बहुत ही मतलब खतरनाक है, बहुत ही फिट है। उसी प्रकार से ये जो जॉब है दोनों इस प्रकार के हैं, तो आपको मतलब अंदर से भी प्राउड रहेगा, दूसरे को अगर आप बताते तो भी प्राउड रहे और अच्छा लगेगा, ठीक है। तो सबसे अच्छी फोर्स अगर आप एसएससी जीडी की सबसे ऊपर टॉप पे दो अगर फोर्स, तो एनआईए और एसएसएफ है, इनकी आप तैयारी करो, इनको हिट करिए, ये आप टारगेट लेके चलिए। इसके बाद में जितने भी पैरामिलिट्री फोर्स है, सीआईएसएफ, बीएसएफ, सीआरपीएफ, एसएसबी, असम राइफल और आईटीबीपी, इनमें से अगर सबसे अच्छी फोर्स अगर हम माने, इनमें से सबसे अच्छी फोर्स अगर अभी प्रेजेंट टाइम में माने अगर लड़कियों के लिए, तो मैं पहले भी बोल चुका हूँ कि वो सीआईएसएफ और एसएसबी अपनी फर्स्ट चॉइस दे सकते हैं। और लड़कों के लिए ज़्यादातर लड़कों, कुछ लड़कों को आर्मी के ड्रेस पहनने का शौक होता है तो वो असम राइफल अपनी फर्स्ट चॉइस थी। कुछ को बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स बहुत अच्छी लगती है कि भाई बॉर्डर पे ड्यूटी करना है, उसने वो सनी देओल वाला वो रोल दे रखे हैं, सुनील शेट्टी वाली धरती मेरी माँ है, तो धरती जिनकी माँ है वो बीएसएफ दे सकते हैं। जिनको ऐसा लगता है कि हाँ धरती मेरी माँ है, मतलब उससे वो प्रेरित है, तो वो बीएसएफ दे सकते हैं, सीआरपीएफ और बीएसएफ। और इसके बाद में सीआईएसएफ, सीआईएसएफ की मैंने बता दी अच्छी फोर्स है क्योंकि सेफ अभी प्रेजेंट टाइम में इनकी जो ड्यूटी है वो इंडस्ट्रियल एरिया में ड्यूटी है, मतलब सेफ ड्यूटी मानी जाती है, ठीक है। और जिनको लगता है कि उनको गैलेंट्री मेडल चाहिए, पीएमजी मेडल चाहिए, स्पेशल ड्यूटियां करनी है पूरी लाइफ में, जैसे एनएसजी में जाना है, एसपीजी में जाना है, कोबरा कमांडो बनना है, आरएएफ कमांडो बनना है, एनडीआरएफ में काम करना है या वीआईपी बटालियन में काम करना है, वीआईपी प्रोटेक्शन करना है, इस प्रकार से अगर किसी को मतलब इच्छा है कि अलग अलग प्रकार के काम करने, तो वो सीआरपीएफ में ज्वाइन कर सकता है क्योंकि सीआरपीएफ में इस प्रकार के सभी प्रकार की ड्यूटी करने को आपका मौका मिल जाता है। दोस्तों ये बहुत ही बड़ी लार्जेस्ट फोर्स आप सभी को पता है, तो इसमें एक अलग ही अपना मजा है, ठीक है। गैलेंट्री अवार्ड जैसे नक्सलियों से लोहा लेती रहती है, कश्मीर में आतंकियों से लोहा लेती रहती है, तो प्राउड वाली बातें सीआरपीएफ में। इसके अलावा एसएसबी उनका बता दिया मैं, आईटीबीपी की आपको पता है इंडियन तिब्बत बॉर्डर पुलिस फोर्स के रूप में काम करती है, उधर पुलिस फोर्स के रूप में भी काम करती है, वो भी एक अच्छी फोर्स है, तो उसको भी आप फर्स्ट चॉइस दे सकते हो। जिनका सपना है, कोई कईयों का होता है कि उनको उधर ड्यूटी करनी है, आईटीबीपी अच्छी लगती है दिल से, कईयों को अच्छी लगती है, तो वो ज़रूर दे सकते हैं दोस्तों। तो सबसे अच्छी फोर्स का जो आपका क्वेश्चन था वो मैंने डायरेक्टली इनडायरेक्टली आप सभी को बता दिया, सब कुछ चीज़ आपके समझ में आ जानी चाहिए अब कि मैंने क्या बताया क्या नहीं बताया। अगर समझ में नहीं आती तो एक बार और देख लीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत।